वार्ड नंबर 7 से नामांकन भरने के बाद अजय शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 7 में विकास रुक गया है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि शहर को सुंदर बनाना और विकास करवाने के लिए काम किया जाएगा, साथ ही सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए व्यवस्थित कार्य किया जाएगा। आज मैं वार्ड नंबर 7 का नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ और वार्ड नंबर 7 का नॉमिनेशन इसलिए भरने जा रहा हूँ कि मैं वार्ड नंबर 7 का जो विकास रुका हुआ है, जो वहाँ की सड़कें और वो खराब हैं, उनको सुधारने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं वार्ड नंबर 7 के लिए ही नहीं लड़ रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं जो शहर में आज हमारा बहुत ज़्यादा कमियों का अभाव है, जैसे हमारी शहर गंदा है, उसको सुंदर बनाने के लिए और जनता के समर्थन से, वार्ड नंबर 7 की जनता के समर्थन से हम हमीरपुर शहर को जो सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, पार्कों का निर्माण करेंगे। हमारे शहर में कई जगह जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो चलते हैं तो उनको बैठने के लिए कहीं स्थान नहीं है, उनको बैठने के लिए स्थान बनाए जाएंगे, रेडी फेडी मुक्त बनाकर उनको, रेडी फेडी वालों को कहीं एक अच्छी जगह उचित करके और शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी एजेंडे के साथ हम जो आज वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।